नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा, हमारे साथ है अंजलि राणा, बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली की, और साथ ही साथ रेणु तिवारी है। 16 दिसंबर 2012 पूरा देश तहला था, क्योंकि एक लड़की का दिल्ली में सरेआम बलात्कार किया गया था। उसके बाद से ये देश में ये सवाल उठने लगे कि आखिर इसको लेकर, इसको रोकने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। हर देशवासियों की भावनाएं जो है वो भड़कने लगी थी। इंडिया गेट पर कई दिनों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आखिर क्या निकला? क्या आज जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जितने भी काम हैं वो अंजाम तक पहुंचे हैं? क्या आज महिलाएं अपनी हक के लिए वो आवाज उठा पा रही है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो आज एक बार फिर से हमारे सामने है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते 2-3 दिनों से ही एक बार फिर से इस तरीके की खबरें हम सबके आसपास हैं, चाहे हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी हो या फिर दिल्ली की नैंसी शर्मा हो। जो हुआ वो गलत हुआ, और ऐसी गलती की सजा क्या होनी चाहिए अगर एक देशवासी से पूछें तो शायद यही कहेगा कि हर गुनहगार को फांसी दे दो। हमारे यहाँ कानून है और कानून के हिसाब से ही हम सबको चलना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अंजलि, सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति आप देख रही हैं, कहना नहीं चाहिए, कभी कभी हम लोगों को भी शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे देश की राजधानी में रहते हैं जहां इस तरीके की खबरें हमें रोज सुनने को मिलती है। हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, एक महिला को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन आखिरकार एक महिला को उसकी सजा मिलती है। क्या टेक है आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है दिल्ली NCR में भी और बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, शुरू से ही, बचपन से ही दबा दिया जाता है। अगर कोई आपसे उल्टा बोल रहा है तो आप चुप करके बैठ जाओ, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की तो आप चुप करके बैठ जाओ, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो प्लीज़ उसको छुपा लो, वरना आगे शादी में दिक्कत आएगी। शादी के बाद अगर कुछ ऐसा हो तो माँ बाप पे लाखों उंगलियाँ उठेंगी, आपके संस्कारों पर, आपके परिवार पर। तो शुरू से ही लड़कियों को बोला जाता है चुप, बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि बेइज्जती आपके परिवार की होगी, बेइज्जती आपकी होगी। कोई कुछ भी करे, कितना भी गलत करे, कितना भी गलत आप सहन कर लो, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल चुप। तो क्या आप इस चुप्पी को इसका कारण मानती हैं, या फिर हमारे पुरुष प्रधान समाज को मानती हैं? जैसा दावा किया जाता है कि भले ही महिलाएं आधी आबादी हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, क्या इसको भी कारण मानती हैं आप? मैं मानती हूँ ये कारण, कहीं ना कहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर एक लड़की का पिता उसे बोले, उसकी माँ को छोड़ दीजिए, अगर उसका पिता उसको ये बोले कि बेटा अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हो, इतनी सी भी अगर तुझे किसी भी तरीके की परेशानी हो तो तू मुझे आकर बताना, तो शायद ये केसेस नहीं होंगे। हमारे कानून की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि जो निर्भया के जो अपराधी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टिल डेथ उनको सजा सुना दी गई थी, लेकिन अभी जब मैं आ रही थी तो मैंने न्यूज में देखा कि वो वापसी ले लिया। क्यों? क्यों जो हमारा कानून है, क्यों पालना चाहता है इन लोगों को? मतलब अगली बारी आपकी बेटी की, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। यही सवाल तो निर्भया की माँ भी उठाती है। रेणु, आखिर क्या है मामला? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, उस चीज को समझना चाहता है कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं, आखिर किस तरीके से जो दहशतगर्दी हैं वो इन चीजों को अंजाम देते हैं। अंकित, मैं बताना चाहूँगी कि पिछली बार जब निर्भया के साथ इतना विभत्स घटना हुई थी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, इसके बाद पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी, बहुत कुछ था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? बहुत सारे लॉ भी बनाए गए महिलाओं के फेवर में, कुछ महिलाओं ने भी उन लॉ का गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ के कारण हम सभी को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं, ये बात। और ये कहना चाहूँगी कि हम जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी हमारे अंदर गुस्सा होता है, हम फेसबुक पे, इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर जाके अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं।
जमीनी स्तर पर कब काम होना शुरू होगा? एक गांव में बैठी महिला जो चूल्हे पे खाना बनाती है, उसको नहीं पता कि नारीवाद का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल। उस तक नारीवाद का सही अर्थ कैसे पहुंचाया जाए, मैं इस मतलब इस जमीनी जो काम होता है, मैं उस पर कहना चाहूंगी कि सरकार को उस स्तर पर काम करना चाहिए। जब तक एजुकेशन हर घर में नहीं पहुंचेगी, तब तक ये मानसिकता नहीं बदलने वाली है। और दूसरा जो ठीक हो सकता है लोगों के अंदर डर से, भगवान का डर होता है ना, भगवान तो दिखते नहीं इसलिए लोगों को डर नहीं लगता, कानून तो दिखेगा ना, जब सरेआम उनको फांसी पे लटकाया जाएगा तब दिखाई पड़ेगा, तब डर बनेगा ऐसे लोगों के अंदर जो ऐसी घटना करते हैं। अंजलि जी, आप क्या ये मानती हैं कि क्या जो ऐसे कर्मों को अंजाम देते हैं उनको, उनके लिए फांसी की सजा होगी, और अगर ये सजा होती है तभी ये सब चीजें कम होंगी, आप इसको मानती हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ मुझसे पूछना चाहे, सिर्फ एक लड़की होने के नाते अगर मैं बताऊं सारी चीजों को साइड करके, तो मेरे हिसाब से आपको पता है कि किसके साथ ये काम हुआ है, आपको पता है कि किसने किया है, तो उसके बाद इधर जाना है, उधर अपील करनी है, इधर इंफॉर्मेशन जाएगी, उधर इंफॉर्मेशन जाएगी, वो आके पकड़ेंगे, फिर जेल में डाला जाएगा, फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा, इस सारी चीजों को छोड़कर चौराहे पे खड़ा कर जूते मार कर और उनको काट देना चाहिए। सऊदी अरब, बिल्कुल, लेकिन हमारे देश का अपना कानून है और हम सबको उसी दायरे में रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल और है, क्योंकि आप युवाओं के बीच में रहती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, क्या युवा जो है इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या जो महिलाओं की युवा पीढ़ी है उसको लेकर कितना सतर्क है? देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2015 में लड़ी थी और मैं सचिव रही, तो वहाँ पर भी बहुत सारी गर्ल्स की, बहुत सारे युवाओं की यही प्रॉब्लम थी, सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कुछ लड़कियों के साथ केसेस होते हैं, कुछ लड़कों के साथ भी केसेस होते हैं। बिल्कुल। लड़कियाँ घर से नहीं निकल पाती हैं, चाहे उनकी क्लास 5:30 तक हो या 6 तक हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बोल दिया जाता है कि आप 2 बजे तक घर वापस आ जाइएगा, जरूरी नहीं है कि आप सारी क्लासेस लें। और कहीं ना कहीं ये हमारे कानून की भी गलती है, जो इतना अनसेफ गर्ल्स हो गई हैं कि ना वो बस में सेफ है, ना वो मेट्रो में सेफ है, ना वो रोड पे सेफ है, अंधेरा होते ही हर लड़की को घर आ जाना चाहिए, ये एक माहौल बन गया है आजकल का। और ये इस वजह से भी बन गया है क्योंकि जैसे बताया इन्होंने कि मानसिकता जो लोगों की है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और एजुकेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एजुकेशन पे ही हम आते हैं, एजुकेशन पे ही आते हैं, ठीक है, अगर चीजें अनएजुकेटेड जगह पे हो रही है तो समझ में आता नहीं, है अनएजुकेटेड जगह पे। दिल्ली में देखा जाए, देश की राजधानी है, यहाँ पे हर व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा है, ऐसे में अगर यहाँ इन सब चीजों को देखने को मिलता है तो देश के बाकी हिस्सों का क्या स्थिति, आप इसको छोड़ दीजिए, देश की राजधानी में ये तो एजुकेशन कहाँ मायने रख रहा है, देश की राजधानी में तो कम से कम एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग ये भी हैं कि वहां पे अगर गलत हो रहा है, लेकिन एजुकेटेड लोग ऐसे भी हैं कि जो बगल से कार निकाल लेते हैं लेकिन उसको हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, ऐसे भी चीजें हमें देखने को मिलती है, उस पर भी तो एक सवाल बनता है। देखिए, मेरे हिसाब से एजुकेटेड लोग वो नहीं होते जिनके पास डिग्री होती है, एजुकेटेड लोग वो होते हैं जिनको पता होता है कि ये गलत है और ये सही है, जिनको डिफरेंसेस पता होते हैं कि ये गलत है और ये सही है, जो आवाज़ उठाना जानते हैं, जिनको ये मालूम है कि कल अगर ये उनके साथ हो रहा है तो आज ही हमारे साथ भी हो सकता है, या आज ही उनके साथ हो रहा है तो कल ही हमारे साथ भी हो सकता है, वो एजुकेटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत पर आगे निकल कर आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ ये गलत है। मेरे हिसाब से वो एजुकेटेड लोग हैं, ना कि वो जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा बात होती है वीमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, जाहिर सी बात है ये अच्छी बात है और इसको आगे तभी देश तरक्की करेगा। लेकिन जो नैन्सी शर्मा वाला घटना है, क्योंकि इसका जिक्र बार बार होता है कि महिलाओं को पंख मिलने चाहिए, महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें उड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है, लेकिन एक आज़ादी कैसे एक परिवार के लिए कलह बन जाती है, वो भी हमें देखने को मिला। अब देखिए, 2 साल पहले 1 साल पहले जिस लड़के के लिए वो आज़ादी उस लड़की का एक तरीके से प्लस पॉइंट था, वो आज़ादी शादी के बाद माइनस पॉइंट हो जाता है। उस आज़ादी की वजह से लड़के और लड़की के बीच में शादी के बाद से एक शक का पैदा होता है, उसके बाद से चीज़ों को
मर्डर तक अंजाम दे दी जाती है। सवाल यही है कि जो पंख लगाने की बात होती है, पढ़ाने की बात होती है, पार देने की बात होती है, कहीं ना कहीं उसका भी तो मिसयूज देखने को मिल रहा है। लोगों को वो चीज़ें भी तो अच्छी नहीं लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, और लगनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक लड़के को तब तक अच्छा लगता है जब तक वो शादीशुदा नहीं है कि अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ लिव इन में रह रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ कैफे में जा रही है, अच्छे अच्छे छोटे छोटे कपड़े पहन रही है लड़कों के हिसाब से। लेकिन जब एक बीवी की बात आती है तो वो लोग सोचते हैं कि वो लड़की लिव इन में भी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो खुद की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो जिनके साथ अभी वो कुछ दिन पहले लिव इन में रह रहे थे, चाहे वो बात ये क्यों ना हो कि लड़की वर्किंग है, अगर वो लेट नाइट तक जा रही है, काम कर रही है, खुद का कैफे चला रही है, तो उनको ये मंजूर नहीं होता है। लेकिन शादी से पहले जहाँ तक की बात आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको उनके कैफे में फ्री का खाना मिल रहा होता है। मैम एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या होता है कि गर्लफ्रेंड तो हर लड़का चाहता है कि उसी तरह हो जैसी उसकी डिमांड है, हाँ, एकदम हाई प्रोफाइल, लेकिन पत्नी को उस रूप में नहीं देखना चाहते हैं। पत्नी को वो चाहते हैं कि वो हमारे पैर दबाए, हमारे माँ बाप की सेवा करे। हाँ ठीक है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जैसे हमारे माँ बाप है वैसे सामने वाले के भी माँ बाप है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के की मानसिकता को अब उठना चाहिए कि देखो आप अपनी बहन से भी क्या ये उम्मीदें करोगे, तो किसी और की बेटी से क्यों ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके साथ इस तरह से रहे। बात क्या होती है मैम, उसमें क्या हुआ कि लड़की ऑफिस भी संभाल ले और घर का प्रॉपर काम भी कर ले, सारी चीजें दोनों चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर हो जाती है, पहले क्या था केवल ऑफिस था, लड़का केवल ऑफिस से घर पे आएगा वो अपना टाइम अपने लिए जिएगा, लेकिन लड़की अगर ऑफिस से घर आ रही है तो एक लड़का एक्सपेक्ट करता है कि वो टाइम से आ जाए और घर का भी सारा काम कर ले। बिल्कुल, तो लड़की नहीं चाहिए उनको, काम वाली बाई चाहिए जो भी है, जो फ्री की हो और सामने से पैसा भी दे। बिल्कुल, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आप एक लड़की हैं, जब आप किसी चीज में फंस जाती हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए या आपके घर पे कॉल करनी चाहिए? ये सवाल उठ रहा है प्रियंका रेड्डी के केस में, यही सवाल उठ रहा है कि प्रियंका रेड्डी ने आखिर पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, आखिर अपनी बहन को कॉल क्यों किया? देखिए अगर मेरी स्कूटी पंचर हो जाएगी तो मैं सबसे पहले अपने पिता को इन्फॉर्म करूंगी, मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करूंगी, ये फालतू के बयानबाजी में मैं कभी नहीं जाती हूँ। जिनकी बच्ची कभी इन परेशानियों में ना गुजरी हो वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन अगर मेरे साथ स्वयं ये होता है तो मैं अपने फैमिली को ही इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि दूसरे लोगों पे भरोसे करने से अच्छा है कि अपने परिवार पर हम भरोसा करें। और देखिए पुलिस पे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन हम कब देंगे, जब हमें ये मालूम होगा कि हम इस चीज में ट्रैप हो चुके हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं जब मैंने सिर्फ ये बताने के लिए अपने घर पे फोन किया कि मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और मुझे सहायता मिल गई है, वो कह रहे हैं कि पास में ही कोई पंचर की शॉप है, मैं वहां जा रही हूँ। फिर वो उनका दोबारा अपनी बहन को फोन जाता है कि मैं थोड़ा सा अनसेफ फील कर रही हूँ क्योंकि ये मॉडर्न एरिया है और मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। तो दैट वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, दैट वाज जस्ट अ फीलिंग, नॉट शी वाज टिल दैट शी वाज नॉट ट्रैप्ड इन एनीथिंग। एंड उस पे बयान देना तो आई फील दैट इट इज शेमफुल। अच्छा, क्योंकि आखिरी सवाल ये हो सकता है हमारा कि आखिर प्रशासन, इस दिशा में प्रशासन को क्या काम करने चाहिए, आखिर पुलिस से आप लोगों, क्योंकि आप महिलाओं की आवाज हैं, आप ऐसे कई महिलाओं से मिलती होंगी जो इस तरीके की घटना के शिकार हुई होंगी कभी, तो आप या उनकी तरफ से क्या मांग की जाती है, क्या पुलिस प्रशासन से कहा जाता है, किस तरीके की सिक्योरिटी, क्योंकि ये भी होता है जिस बात को आपने सबसे शुरू में ही रखा कि अगर किसी के साथ हो भी जाता है तो उसको हम सब चाहते हैं कि बंद के दरवाजे में ही रहे, बाहर ना आए, सोसाइटी में ना जाए, हमारी इज्जत चली जाएगी, ये तमाम चीजें होती हैं। तो पुलिस से, प्रशासन से, कानून से किस तरीके की उम्मीद है, क्या मांग होती है ऐसे लोगों की, इस पे जरा प्रकाश रखें। देखिए मेरे हिसाब से जब तक मास्टर जी और पुलिस के हाथ में दोबारा से डंडा नहीं आएगा और वो फ्री नहीं होंगे इन कानूनों से, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पुलिस वाला ये देख के कि हाँ अगर ये उसकी बेटी के साथ हुआ है मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है या ये गलत है, कुछ पुलिस वालों ने एक्शन लिया भी लेकिन क्या हुआ, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा,
उनको माइग्रेट करना पड़ा, उनको अपना एरिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर बना दिया गया या कोर्ट कचहरी में उन लोगों को घसीटा गया. और देखिए, सबको अपना घर देखना है, सबको अपना पेट पालना है, ये बिल्कुल सही बात है. और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट जजेस और जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़, हम आपकी भी बेटी हैं, शायद अगले जन्म में हम आपकी बेटी हूँ और आपकी खुद की भी बेटियां हैं. तो अगर आपकी बेटी सेफ है, आपकी बेटी प्रोटेक्शन में चलती है, आपकी बेटी के पास ड्राइवर है और 10 तरीके की सुविधाएं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि देश की हर बेटी के पास वो सुविधाएं हैं. और जब आपने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला है तो शायद सामने वाली फैमिली ने भी इतने ही नाजों से अपनी बेटी को पाला होगा. तो उस फीलिंग में जाइए, वो दर्द वो महसूस कीजिए, वो दर्द जब उस पे तेल डाल के उसको जला दिया होगा. किसी भी अपनी बेटी को अगर आप नहीं सोच सकते तो अपने बेटे को सोचिए कि अगर आपके बेटे के साथ वो हुआ होता, क्योंकि चोरी चकारी भी बहुत हो रही है, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. आजकल हर इंसान के पास गोली है, कोई भी कहीं भी किसी की कार टच हो गई तो वो मार देता है गोली. कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए. कुछ ऐसे कानून कम हो ज़्यादा हो, लेकिन खौफ इतना होना चाहिए कि वो चीज़ ना हो. बिल्कुल, कानून का खौफ होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए. और शायद हम सब एक देशवासी होने के नाते यही चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो. हम भी उम्मीद करते हैं, कहते हैं ना, भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है. तो परिणाम आएंगे, दिन अच्छे आएंगे, हम यही कामना कर सकते हैं. और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश की स्थिति बदलेगी और देश में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त होगी. फिलहाल आज के लिए इतना ही चाय पर समीक्षा. अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह, अंजलि राणा और रेणु तिवारी को दीजिए इजाजत. नमस्कार.